सही क्षितिज, देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो नमस्ते जय हिंद और जय राम जी के। दोस्तों, हमारे देश में ना तो नेताओं की कमी है और ना ही खुद को पॉलिटिकल एनालिस्ट समझने वालों की, वो लोग भी जो राजनीति से गरिया कर निकाल दिए गए हों, लतिया का निकाल दिए गए हों, वो लोग भी खुद को पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं। और वो लोग भी जो अपने पापा के दम पर भले ही CM बन गए हों, अपने बाप के दम पर भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन अपने दम पर जिन्होंने आज तक एक इलेक्शन तक नहीं जीता, वो लोग भी खुद को बड़ा नेता समझते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी होते हैं और अच्छे नेता भी होते हैं, और उन्हीं में से एक है प्रशांत किशोर। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर हो रही पागलपंती हो या फिर इंडिया एयरलाइंस के नाम पर हो रही धांधली, प्रशांत किशोर ने सभी बातों की पोल खोली, लेकिन अपने अलग अंदाज में। आज इंटरव्यू में जब इससे सवाल पूछे गए तो हर एक सवाल पर इस बंदे ने कांग्रेस और कांग्रेस के सो कॉल्ड बड़े नेता राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी। क्या कुछ बोला प्रशांत किशोर ने नविका कुमार को दिए गए इंटरव्यू में, चलिए देखते हैं। चुनाव का सीजन है तो चुनाव के सीजन में हमेशा सबके दिल में और दिमाग में एक ही सवाल होता है, और सवाल ये होता है कि सरकार किसकी बनेगी, सीटें किसको कितनी आएंगी। अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जैसे या किसी भी राष्ट्रीय दल को जाति के आधार पर बहुत बड़ी राजनीति करने का अगर कोई दल प्रयास करेगा तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आप अपने एक क्षेत्र विशेष की, एक राज्य विशेष की बात कर रहे हैं, किसी एक जाति या जाति समूह के पक्ष या विरोध में आप बात कर सकते हैं। जब नेशनल पार्टियां, नेशनल लीडर्स जाति के आधार पर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें इतने इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि संभव है कि कहीं पर OBC आपके साथ है, कहीं पर OBC आपके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप नेशनल लीडर के तौर पर यह बात करना शुरू करेंगे तो कुछ जगह पर फायदा हो सकता है और कुछ जगह पर बहुत नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस को इससे, कांग्रेस जैसे दल को मेरी अपनी समझ है, बचना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको साइंटिफिक बेसिस पे उस पर निर्णय हो, बात हो, सब ठीक है, लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा बना देना, कांग्रेस अगर उसको अपना सेंट्रल थीम, सेंट्रल मुद्दा बनाएगी तो उसको उसका नुकसान हो। यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? ये सवाल सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग, आप हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान ले कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही पूरा मंदिर का काम किया गया, लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा, 24 से पहले भाजपा मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे, अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए, इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। अगर ये जेन्युइनली सीरियस थे, किसी वजह से लेट बना अलायंस, तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही 7 दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते, जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म, उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते। भाई यूरोप जाने के बाद इंजॉय किया जाता है, यूरोप जाने के बाद मजे लिए जाते हैं, यूरोप जाने के बाद लाइफ जी जाती है। अगर ये बंदा यहीं पर बैठकर पॉलिटिकल रैलियां करता रहेगा तो इसमें तो इसकी जिंदगी निकल जाएगी, और ये बंदा मजे के साथ में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, फिर भले ही पार्टी डूब जाए, पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए, समझे प्रशांत साहब। इसी वजह से ये बंदा यूरोप जा सकता है लेकिन 7 दिन तक लगातार बैठक के शायद नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात है। कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया, उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में, इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन है ये हो जाए, इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, तो वहां वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी, उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे। इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं, जून में नतीजे उल्टे आ गए, अब जनवरी में ना माया मिली ना राम, समय भी हाथ से निकल गया, दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे और आपकी अपनी इलेक्टोरल हालत खराब हो गई।
जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है, अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते, भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की अब क्या तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आपको आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विच इज द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है, यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर उसका इफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। इस देश में सबसे चर्चित जो यात्रा रही है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा रही। उस यात्रा ने आडवाणी जी को घर घर उनके नाम को पहुंचाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया, भाजपा को उनके ग्रास रूट पर कैडर बनाने में मदद करी। पर से उस यात्रा से भाजपा चुनाव नहीं जीत गई। तो यात्राएं जब आप करते हैं तो आपकी खुद की समझ बेहतर होती है, पब्लिक को आपको करीब से देखने, जानने, समझने का अवसर मिलता है, लेकिन उससे आप चुनाव जीत जाएं ये जरूरी नहीं है। जहां तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की उसका फायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला, लेकिन उसी यात्रा का फायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। एक उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए, तो यात्रा की मेरिट, फॉर्मेट, इंपैक्ट को छोड़ दीजिए, सियर टाइमिंग जो है वो गलत है। ये गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया, तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं, और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है उसका जो कमांडर इन चीफ है वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोसिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, इनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहां से आएगा इस पर तय करना है, ये न करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए, मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में कम से कम 4 और 3 पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में, सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा क्योंकि पब्लिक का जिससे सरोकार हो। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले साथ में हो जाओ, पहले गप्पे मार लो, पहले साथ में बैठकर चाय पी लो, नाश्ता कर लो, पहले यारी दोस्ती निभा लो, बाद में सोच लेंगे कि जनता को क्या प्रोमिसेस करने हैं, बाद में सोच लेंगे कि किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाना है, बाद में सोच लेंगे कि जनता को क्या प्रोमिस किए जाएं जो जनता तुम्हें वोट कर दे। हालांकि जनता जानती है जो इंसान सरकार में है उसका पॉइंट ऑफ व्यू कितना क्लियर है, जनता जानती है कि वो इंसान कितनी दूर का सोच सकता है, जबकि आपसे 6 महीने बाद का भी नहीं सोचा जाता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।